तो अभी हम एक वाइन सेलर के यहाँ हैं जहाँ पे वाइन स्टोर की जाती है और एज की जाती है। और सामने आप फोटो देख सकते हैं उस जूते की, लेदर शू की, जो यहाँ पाया गया था। करीब 25 सेंटीमीटर लंबा के वाइन के पॉट्स यूज़ किए जाते थे वाइन स्टोर करने के लिए, एज करने के लिए वाइन को। सो गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं घूम रहा हूँ आर्मेनिया में और मैं आया हूँ यहाँ पे, अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ हैं अलग अलग जगहों पे, और अभी मैं आया हूँ एक पुरानी मोनेस्ट्री, नोवा रांक कुछ ऐसी दिखती है ये। तो इस ये पूरा कंपाउंड है हिल के ऊपर, मैं इसके बारे में अभी आपको और बताऊँगा। गाइज, आपको यहाँ से माउंट अरारात और लिटिल अरारात का बहुत क्लियर व्यू दिखता है, जो कि अभी प्रेजेंटली टर्की में, पहले आर्मेनिया में हुआ करते थे। तो ये मॉनेस्ट्री एक हिल के ऊपर लोकेटेड है। इस ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसको पार करके हम आए हैं। ये बहुत दूर नहीं है अजरबैजान बॉर्डर से। अजरबैजान के जो नोवाचिंक कुछ प्रोविंस है जो उन्होंने अपने साइड ले रखी है, उससे उसी बॉर्डर से हम रोड्स के थ्रू यहाँ तक आए हैं। तो गाइज, ये मॉनेस्ट्री अराउंड 13th सेंचुरी में बनाई गई थी। येरेवान कैपिटल सिटी से अराउंड 122 किलोमीटर्स दूर है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है ये मॉनेस्ट्री। तो गाइज, ये पिक्चर है जीसस का मैरी के साथ, और ये आप देख सकते हैं ये जो फेसेस हैं उनको हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जब मंगोल्स आए थे उन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस किया था, तो उनके इस्लाम में फेसेस नहीं दिखाते थे, सारे फेसेस ब्लर कर दिए हैं। ये पूरा एक चर्च है। तो गाइज, ये जो सामने आप रुइंस देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसमें एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स वगैरह सब पढ़ाई जाती थी। यहाँ सारे मंक्स रहते थे, और आइडिया ये था कि मंक्स हमेशा सिटी वगैरह से बहुत दूर रहते हैं, तो ये ताकि उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो, स्पेशली वुमेन की डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो पूरा दूर एकदम माउंटेंस के बीच में ये जगह बनाई है। तो टोटल 3 मॉनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे। एक ये सामने आप देख सकते हैं कि इससे पीछे है, और एक ये है, और ये पूरा पहाड़ों के बीच में। कुछ क्लाउड्स आ गए हैं, क्लाउडी हो तो अच्छा होता है। अभी अगस्त एंड है, अब धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो ये अच्छा मौसम शुरू होने वाला है। बहुत अच्छा तो नहीं है, बट धूप तेज़ होती है, लेकिन जैसे छाँव पड़ती है शाम को बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। छाँव पड़ती है तो एकदम ठंडा हो जाता है, ह्यूमिड नहीं है। तो गाइज, अभी हम रुके हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। पीछे हमारे एक फूड कोर्ट है जहाँ पे लंच होता है, और ये देखिए ये पूरा बॉर्डर के साथ साथ ये रोड है। अजरबैजान की जो एक प्रोविंस है वो बहुत क्लोज है इस बॉर्डर से, काफ़ी आर्मी वाले भी रुके हुए हैं इस जगह पे। तो गाइस, अभी हम आए हैं अरिनी बर्ड केव में। यहाँ पे कई प्रकार के चमगादड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पे बिकॉज ये केव्स थे, यहाँ पे पुरानी चीज़ें बहुत अच्छे से कंजर्व हुई हैं, और कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पुराना लेदर का जूता भी ही पाया गया था, जो अराउंड 350 BC में का पुराना है जूता है वो, और उसके साथ क्लॉथिंग्स वगैरह, काफ़ी कपड़े वपड़े भी पाए गए हैं। और यहाँ पे एक्सकवेशन करते हैं आर्कोलॉजिस्ट ताकि पुरानी पुरानी चीज़ें मिलें यहाँ पे। तो यही वो एंट्रेंस है उस केव का, सामने आप देख सकते हैं, और यहाँ से चढ़ के हम आए हैं। सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी, और ये रोड, मेन रोड। तो ये पूरी एक्सकवेशन साइट है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें
मिली हैं, इन्होंने खोदा गया है। आयरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था। और तो सामने आप फोटो देख सकते हैं उस जूते की, लेदर शू की, जो यहाँ पाया गया था। करीब 25 सेंटीमीटर लंबा और 7-8 सेंटीमीटर चौड़ा वो जूता था। गाइज़ ये वाले जो हैं ये वाइन के घड़े हैं जो यहाँ से मिले थे एक्सकवेट करके, जिसमें वाइन रखी जाती थी ओल्ड करने के लिए। तो भाई यहाँ पे जो ये ट्रेंच है 1850 मीटर 1850 मीटर, यहाँ पे कुछ सिल्वर कॉइन्स मिले थे। तो गाइज़ कुछ इस तरह के वाइन के पॉट्स यूज़ किए जाते थे वाइन स्टोर करने के लिए, एज करने के लिए वाइन को। तो अभी हम एक वाइन सेलर के यहाँ आए हैं जहाँ पे वाइन स्टोर की जाती है और एज की जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह के बैरल्स हैं जिसके अंदर वाइन रखी जाती है और ये सारी बॉटल स्टोर की हुई है। तो यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे वोडका और ब्रांडी स्टोर की जाती है, अराउंड 5 ईयर्स तक इन्हें स्टोर किया जाता है इन बैरल्स के अंदर। और ये कुछ वाइन के बैरल्स हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये पॉट्स हैं, ये बहुत पुराने एंशियंट तरीका है वाइन स्टोर करने का, अभी भी यूज़ करते हैं लोग। ये सारे वो ओल्ड पॉट्स हैं जो यूज़ किए जाते थे। तो गाइस वाइन को बनाने के लिए अराउंड 1-1.5 ईयर एनफ होता है, 1-1.5 साल में वो बन जाती है और इन्हें निकाल दिया जाता है। ब्रांडी और वोडका को अराउंड 5 ईयर्स रखा जाता है, एज होने के लिए, ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये जो बड़े टैंक्स हैं इसमें वाइन मिक्स की जाती है, स्वीट और नॉट सो स्वीट वंस, बट ज़्यादा देर नहीं रखी जाती। ये भी बड़े बड़े बैरल्स हैं जहाँ पे वाइन स्टोर की जाती है और फिर बॉटल की जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम अपनी वैन में बैठ के वापस यरवान आ गए थे। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगाता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।